शिमला में एक मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है। लोगों का मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है। शिमला के संजौली इलाके से खबर है। देखिए, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस उन्हें शांत भी कराने की कोशिश कर रही है, पुलिस का भी पहरा देख पा रहे हैं। लेकिन इस इलाके में, संजौली इलाके में, एक मस्जिद का विरोध बढ़ रहा है और उसको लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। हिंदू संगठनों का विरोध किया जा रहा है। ये मामला कोर्ट में भी है, एक मस्जिद को लेकर ये विवाद है। बताया जा रहा है कि जो मस्जिद में हाल में निर्माण कराए गए वो अवैध तौर पर कराए गए हैं और इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोका है पुलिस ने, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस तरह प्रदर्शनकारी बैठ गए थे मस्जिद के बाहर इस पूरे इलाके में और इन्हें फिर हटाया भी गया है। पुलिस की ओर से समझाने की कोशिश भी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस इलाके से, हिमाचल प्रदेश में शिमला के इस इलाके से, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस पूरे विवाद में हिमाचल के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री भी मस्जिद को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए अनिरुद्ध सिंह का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूँ जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोरे 2010 में शुरू आया। सर मेरे पास पूरा, मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा सर। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मतलब 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसकी सुनवाई हुई 2012 में दोबारा, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर, 2010 में जब केस चल रहा था, तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट लेकर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। और वहीं मस्जिद विवाद पर ओवैसी ने लिखा है, मोहब्बत की दुकान में नफरत नफरत, हिमाचल में किसकी सरकार है? ओवैसी ने ये सवाल पूछा है। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया है जिसमें हिमाचल प्रदेश के इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने लिखा है, मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत, हिमाचल में आखिर किसकी सरकार। ये देखिए, यही है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पोस्ट जिसमें वो हिमाचल के इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ लिखा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर ओवैसी की टिप्पणी सामने आई, क्या हिमाचल की सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की है? और ये हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का जो एक्स पर पोस्ट है वो दिखा रहे थे। लेकिन हिमाचल सरकार में जो मंत्री हैं और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस विवाद को लेकर, आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बे इम्तहा मोहब्बत है। सरकार किसी भी तरीके की अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने ये कहा है कि हम जल्द इसको एक्सपेडाइट करवा कर जो भी फैसला म्यूनिसिपल कमिश्नर का आता है उसके तहत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी विद इन दी एम्बिट ऑफ लॉ। तो हिमाचल प्रदेश में आखिर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, ये है अहम सवाल। पूरा मस्जिद विवाद आखिर है क्या, ये आइए आपको तफसील से बताते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई, दो समुदायों के कुछ लोगों में मारपीट होती है, आरोपियों के मस्जिद में छिपने के आरोप लगे मस्जिद के खिलाफ, इसके बाद कुछ लोग सड़कों पर उतर आए, हिंदू संगठनों ने मस्जिद को अवैध बताया। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, हम लगातार देख रहे हैं कि यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है हिंदू संगठनों के विरोध के बाद, अब इस मामले में क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है राज्य में और सरकार के मंत्री ही
ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो अवैध तरीके से बनाई जा रही है। हो क्या रहा है अब इस मामले में? देखिए, इस मामले में लगातार वहां पर हंगामा मचा हुआ है। हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। आज दो प्रोटेस्ट मार्च हिंदू संगठनों के द्वारा निकाले गए हैं। पहला तो मस्जिद के आसपास ही निकाला गया है और दूसरा प्रोटेस्ट मार्च जो है विधानसभा की ओर निकालने की तैयारी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद भले ही पुरानी हो लेकिन 2009 में ये मस्जिद हुआ करती थी। सिर्फ कच्ची मस्जिद थी और दो मंजिल की इमारत वहाँ पर थी, लेकिन अब देखते देखते चार फ्लोर और अतिरिक्त वहाँ पर बना दिए गए हैं जो कि अवैध तौर पर बनाए गए हैं, और इसी बात का लेकर विरोध हिंदू संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस पूरे विरोध में हिंदू संगठनों के साथ खड़े हैं। उनका कहना है कि ये मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई है। पहले मस्जिद जो थी वो एक कच्ची मस्जिद थी, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर अवैध निर्माण होता रहा और अब इतना बड़ा मस्जिद का एरिया वहाँ पर कवर कर दिया गया है कि उसको हटाया जाना चाहिए। वो अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है। तो लेकिन ये पूरा का पूरा मामला नगर निगम कोर्ट के अंदर भी है, तो इसी वजह से कोर्ट के फैसले का भी इंतजार है। लेकिन जो मंत्री अनिरुद्ध सिंह है उनका कहना है कि कई नोटिस नगर निगम की तरफ से जारी किए गए। जब ये अवैध निर्माण हो रहा था तो कई नोटिस जारी किए गए और मस्जिद के अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है। और यही नहीं, बाहर से कई लोग आकर वहाँ बस भी चुके हैं आसपास के इलाके में, और वहाँ पर इस निर्माण को अब हटाया जाना चाहिए ये बात कही जा रही है। हालांकि अब जब पूरा विवाद काफ़ी बढ़ गया है तो मंत्री विक्रमादित्य जिनका भी हम बयान सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सरकार पता लगा रही है कि कहाँ किस जगह पर खामी रही और उसी के बाद ही अगर अतिक्रमण पाया गया तो उसको हटाया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद ये कहा गया है कि अगर ये बात सही पाई जाती है, ये आरोप सही पाए जाते हैं कि ऊपरी मंजिल बनाने की परमिशन नहीं थी, बिना इजाजत लिए ऊपरी मंजिल बनाई गई है, तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम की कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन विवाद ग्राउंड पर बढ़ता हम देख रहे हैं।